अभी अभी श्रीपाद राधानाथ महाराज जी ने हमारे संबंध में जो कुछ कहा, उन्होंने मैं समझता हूं कि अधिकांश कुछ अतिशयोक्ति हो गई होगी। मैं समझता हूं कि मैं उतने जितना इन्होंने कहा वो सब योग्यता हमारे अंदर में तनिक भी नहीं हूं। मैं तो बहुत ही साधारण से साधारण, तत्व इत्यादि का ज्ञान मुझे उतना नहीं है जितना इन लोगों को है। गंभीर रूप में शास्त्रों का अध्ययन भी मैंने नहीं किया, तब यही ये बात सही है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के प्रधान प्रधान जो शिष्य थे, उनके प्रिय थे, उनको दर्शन और सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। गुरु जी के साथ में सब लोगों का बहुत ही घनिष्ठ संपर्क था। विशेष करके स्वामी जी बहुत दिनों तक यहां थे और गुरु जी से उन्होंने इसी जगह में संन्यास लिया था, और जैसा कि इन्होंने बताया, मैं वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल में मैं अक्सर जाया करता था, मुझे बुलाते थे और यहाँ पर भी रहते थे। यहाँ पर एक कोठरी थी, अब तो मंदिर बन गया, उसी में वो रहते थे और मैं इधर में रहता था। दोनों में बहुत ही बंधुत्व था, ये भी बात ठीक है। यद्यपि वे वृद्ध थे हमसे, ज्ञान में भी बहुत बड़े थे, किंतु सब समय हमको बहुत ही प्यार किया और अपने समान ही हमको माना। मैं यद्यपि योग्य नहीं था, मैं उनके साथ में दिल्ली में भी रहा, राधा कृष्ण टेम्पल में, जहां से वो अमेरिका गए। उस समय तक उनके पास में एक फूटी हुई कौड़ी नहीं थी, पैसा कुछ नहीं था, बिछाने के लिए बिछौना तक नहीं था, फटी हुई रजाई, फटे हुए चादर, पुरानी पुस्तकें, गीता और भागवत के 3 वॉल्यूम जो उन्होंने प्रकाशित किए थे, और श्रीमद् भागवत पुराना जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती थे ठाकुर की टीका, यही उनकी पूर्ण संपत्ति थी। उनकी उन्होंने उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने, ठाकुर जी ने पाश्चात्य देश में महाप्रभु जी की वाणी को प्रचार करने के लिए कहा था। उन्होंने यहीं से कुछ लिखना आरंभ किया, उन्होंने यहां पर भी बैठ करके इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट है ना, छोटी सी पुस्तक यहां लिखा। चैतन्य चैतामृत पर उन्होंने टीका लिखना आरंभ किया यहां पर, और उन्होंने मुझको आदेश दिया कि मैं, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, मैं पाश्चात्य देश में जा रहा हूं, नेविगेशन क्या सिंधिया नेविगेशन वो हमारी व्यवस्था कर रहे हैं मालवाही जहाज पर जाने के लिए, एरोप्लेन से नहीं, जिस पर माल जाता है, और उसी पर हमारी पुस्तक कलकत्ता में भेज देना। मैंने मृदंग किताब जो कुछ था करताल भी खरीद करके और यहां से उनको कलकत्ता में भेजा, फिर अमेरिका में बहुत सी चीजें भेजी उनकी, बहुत सी, कम से कम तो 150-200 पत्र हमारे पास में थे जो मैंने इस्कॉन वालों को अधिकांश दे दिए,
जिसके आधार पर उन्होंने कुछ लिखा, उनकी जीवनी सत्स्वरूप महाराज जी को दे दिया था। वो बड़े शौकीन आदमी थे, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते थे और बहुत वैसे ही प्रसाद ग्रहण करते थे। सुंदर सुंदर, मैं भी बहुत सुंदर स्वादिष्ट बना लेता था रसोई। वो मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, अमेरिका से लिखा हमको आधा मन 20 किलो सुंदर मिठाई पेड़ा हमारे लिए भेज दीजिए। मैं दिखलाऊंगा आज ये कृष्ण कैसे खाते थे पाश्चात्य देश के जिभोटी लोग। तो मैंने भेजा वहां पर और चिट्ठी में लिखा जो बहुत सुंदर रहा, हमने सब विभोटियों को बांट दिया और वो लोग बड़े प्रसन्न हैं कि कृष्णा ऐसे चीज को ग्रहण करते थे। इस तरह से अमेरिका में जाने के लिए भी हमको बहुत आग्रह किया, आप हमारे साथ में रहेंगे हमको बहुत बल रहेगा, बहुत चेष्टा उन्होंने की। मैंने कहा कि हमारे गुरु जी को छोड़ करके कैसे जाऊं, आप आदेश दीजिए, मैं गुरु जी की सेवा करता रहूं। इसलिए मैं बहुत कहने पर भी मैं उनके साथ में नहीं गया। शायद गुरु जी से पूछ लेता तो कहते अच्छा जाओ, किंतु मैं यहां था इसलिए पूछा नहीं। उन्होंने अमेरिका में जाकर के इस्कॉन की स्थापना की और थोड़े दिनों में ही विश्व में सर्वत्र महाप्रभु जी के विचारों को, रूप सनातन के विचारों को और श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी अपने गुरु जी के विचारों को सरल सहज अंग्रेजी भाषा में उन्होंने प्रचार किया। उनके शिष्यों ने पुनः विश्व के बहुत से राष्ट्रों में तरह तरह की भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद किया, विशेष करके गीता एज इट इज, श्रीमद भागवत और दूसरे दूसरे ग्रंथों का विश्व की 40-50 भाषाओं में उन्होंने अनुवाद करके सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। भक्ति विनोद ठाकुर की यह वाणी बहुत शीघ्र ही 400-500 विदेशी भक्त लोग आएंगे, उनके सिर पर चोटी होगी, गले में कंठी माला होगी और तिलक होगा और वैष्णव वेश में ही आएंगे और यहाँ के वैष्णव लोग दोनों मिलकर के एक साथ में हरे संकीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण हरे हरे, और एक साथ में करिए गौर नित्यानंद प्रभु हरि बोल। इस तरह से सभी लोग प्रचार करेंगे, दोनों मिलेंगे आसपास में। आज भक्ति विनोद ठाकुर की यह वाणी सिद्ध हुई और इसके द्वारा चैतन्य चरितामृत में लिखा गया पृथ्वी या तो आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो देना। आज पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं उन सब में मेरा नाम प्रचार, कृष्ण का नाम प्रचारित होगा। आज वह बात सत्य हो रही है, बल्कि यहाँ के लोग मोटी चोटी नहीं रखते, गले में माला कम है, कृष्ण के भक्त यद्यपि हैं किंतु वह मुंडन और चोटी, गले में माला, तिलक, ये सब बहुत गृहस्थ वैष्णव में कम देखे जाते हैं, किंतु उनके प्रचार का फल है कि आज बंबई जैसे शहर में जो भोग का चूड़ांत है, दिल्ली चूड़ांत है, उन लोगों को भी इस भक्ति में लाया। महिलाएं जो घर से नहीं निकलती, किशोरियां जो नहीं निकलती, आज किशोर और किशोरियां भारतवर्ष के बाहर में सर्वत्र कृष्ण नाम इत्यादि का प्रचार कर रहे हैं। आज उन्हीं के फल से ये राधाकांत जी भी आ गए हैं, राधानाथ जी, कमाल कृष्ण, गिरिराज जी और न जाने कितने कितने युवक 22-23 वर्ष की उम्र में ये सब लोग आए और संपूर्ण रूप से सारे भारतवर्ष में इन लोगों ने प्रचार किया। सचमुच में महाप्रभु जी का यह प्रचार हुआ, ये तो ठीक है,
किंतु उनकी शिक्षाओं में प्रवेश करना एक और बात है। हरे कृष्ण कहा, ये तो अभी भूमिका बंधी, प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, इसके बाद में क्या है। मधुमक्खी के छत्ते के पास में आए, छत्ते के पास में आए, मधु को देखा जो मधु उसमें है, किंतु मधु को लेना पड़ेगा ना। ये रूप गोस्वामी की शिक्षाएं क्या है, महाप्रभु किस लिए इस जगत में आए, इस चीज में प्रवेश करना है। महाप्रभु किस लिए इस जगत में आए, जिसको कृष्ण नहीं दे सके, राधा जी उस समय नहीं दे सकी, और वही राधा और कृष्ण दोनों मिल करके, राधा और कृष्ण दोनों चैतन्य महाप्रभु के अंदर में, अंदर में कृष्ण, बाहर में राधिका जी, राधिका जी का भाव कांति लेकर के जगत में आए। दिया क्या, कृष्ण बड़े करुण हैं, बड़े रसिक शेखर हैं, आ रहा है समझ में, रसिक शेखर, रसिक शेखर मैंने क्या, और करुण मैंने क्या, रसिक शेखर मैंने होता है, रस से रस को आस्वादन करने वाला रसिक शेखर। कृष्ण रस स्वरूप है, साथ साथ में रसिक शेखर भी हैं। यशोदा मैया गोपियां कृष्ण का रस स्वादन करती हैं, और उन भक्तों का शांत रस, वात्सल्य, सख्य, दास्य और मधुर, इन सब का रस कृष्ण स्वादन करते हैं। रस के विषय कृष्ण है, और आश्रय कौन है उनको, रस पिलाने वाला कौन है, सबसे अधिक गोपियां हैं। गोपियों ने रस का जो प्याला पिलाया, कृष्ण उन्मत्त हो गए, क्योंकि वह रसिक शेखर है। किंतु बड़े करुण भी हैं, सोचा जब मैं तो रसास्वादन कर रहा हूं, जगत के लोगों का रसास्वादन नहीं है, इसलिए अनर्पित चरिन चिरात करने अवतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियं हरिहपुर सुंदर दूति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे पुरतु मे सचिनंदन। चैतन्य महाप्रभु इस चीज के लिए आज तक जो कृष्ण महाप्रभु के पहले अवतार के और आज तक में जो कुछ नहीं दिया गया था, कृष्ण राधा जी की भाव कांति लेकर परम करुणापूर्वक वो चीज दिया। क्या चीज दिया, बहुत गंभीर चीज दी, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में, रूप गोस्वामी ने भक्ति गोस्वामी संधि उज्ज्वल निर्णय में वर्णन किया है। कहने की कहा नहीं जा सकता, और नहीं कहने से कोई जानेगा भी नहीं, बहुत ही गोपनीय और रहस्य चीज है, अधिकारी बहुत कम हैं, किंतु इस डर से यदि नहीं देते महाप्रभु जी तो यह चीज रह जाता, बक्से में बंद रह जाता, इसलिए महाप्रभु जी ने क्या किया, अनर्पित चरिन चिरात करुणयावतीर्ण कलौ, गोपियों का उन्नत उज्जवल भाव है। उन्नत उज्जवल भाव माने क्या, पहले होगी श्रद्धा, श्रद्धा से गुरु पदाश्रय होगा, क्रम ये होगा, गुरु पदाश्रय होगा, गुरु के चरणों में शरणागत होगा, गुरु उनका संशोधन करेगा, उनके अनर्थ को दूर करेगा, अनर्थ दूर होने पर वही श्रद्धा निष्ठा बन जाती है। निष्ठा किसको कहते हैं, हरिदास ठाकुर जी ने कहा था, खंड खंड यदि होई जाय देह प्राण, खंड खंड यदि होई जाय देह प्राण तो द्वाम बदने नाच साड़ी हरिना। हरिदास ठाकुर जी ने कहा चांदका जी को, बोटी बोटी मेरी काट जाए, बोटी बोटी समझते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा काट दिया यदि, तो अभी हरिनाम करना नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण नहीं करना छोड़ूंगा,
सारा जगत हमारा विरोधी हो जाए, मैं अकेले रहूंगा तो भी हरि नाम नहीं छोड़ सकता, भूखों मर जाऊंगा तो भी हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, ऐसे विचार को निष्ठा कहते हैं। अभी हम लोगों में यदि पति पत्नी को कहता है यदि हरि नाम किया तो तुमको मैं छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, स्त्री कहे नहीं नहीं मैं हरि नाम नहीं करूंगा, और स्त्री कहे पति को यदि तुमने हरि नाम किया तो तुमको छोड़ दूंगी, तो पति भी डर जाएगा। ऐसा नहीं, इसलिए निष्ठा हुई, निष्ठा से फिर रुचि होगी, रुचि से आसक्ति होगी, आसक्ति से ऊपर से भाव आएगा, भाव अपना यहाँ का नहीं है, पात्र तो यहाँ है, भाव आएगा कहाँ से, कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर है वो उनके यहाँ से आएगा। आप लोगों को काम गायत्री मिली होगी, गुरु गायत्री मिली होगी जो दीक्षित है, पुरुष लोगों को ब्रह्म गायत्री भी मिली हुई होगी, उसमें एक प्रचोदयात शब्द है, भूर्भुव स्व विदुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, सो वो प्रचोदयात, प्रचोदयात माने प्रकृष्ट रूप से हमारे हृदय में आप उदित हो, ऐसी प्रार्थना का नाम है वो गायत्री आएगी। कृपा से, अपने साधन से नहीं आएगी भाई, भक्ति ऐसी चीज नहीं है फूल चढ़ा दिया या हरि नाम कर दिया, अभी हरि नाम नहीं है, जब स्वयं नाम हमारे जीवा पर उदित हो और नित्य करने लगे तब ये शुद्ध नाम है। अभी हम लोगों का नाम नाम आभास या नाम अपराध है, इस चीज को समझिए। हरि नाम लेते लेते नींद नहीं आए, आलस से नहीं आए, खाना पीना भूल जाए, हो सवार सब दूर हो जाए, कृष्ण में तन्मय हो जाए, तब यह हरि नाम हुआ। इसलिए जब तक वो शक्ति नहीं आएगी, नंद बाबा जसोदा से बात्सल्य भाव, सखाओं से सख्य भाव, गोपियों से मधुर भाव, यह शुद्ध सत्व में भाव के रूप में प्रेम का आभास के रूप में यहां पर पहले आएगा, तब भाव हुआ। ये भाव बढ़ करके प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव जाएगा, ये महाभाव राधिका जी का ये स्वरूप है। महाप्रभु जी इसी भाव को लिया और इसी को देना चाहते हैं जीवों को, बहुत कठिन चीज है, यही राधिका जी के किंकरियों में है। महाप्रभु किस लिए देना आए, अरे दास्य तो पहले रामानुज जी ने ही दे दिया है, रामचंद्र जी ने दे दिया, और मध्वाचार्य ने भी कुछ दिया, वल्लभाचार्य आए उन्होंने कुछ दिए, कृष्ण ने रामचंद्र जी आए वैवाहिक जीवन का वो भी मधुर रस आधा कुछ दास्य मिश्रित वो भी उन्होंने दिए, मध्वाचार्य रामानुज विष्णु स्वामी निम्बाक्त इत्यादि आए उन्होंने दास रस दिया, कुछ बात्सल्य का दिया वल्लभाचार्य जी ने, और लोगों ने कुछ दिया, महाप्रभु जी ने क्या दिया स्पेशल रूप में, वो स्पेशल चीज ही है राधा जी का जो भाव है, यही उन्नत उज्ज्वल रस है पारकीय भाव का, पति पुत्र सब कुछ छोड़ करके, लोक लज्जा धैर्य मान जो कुछ है सब छोड़ करके, और कृष्ण के चरणों में अनुरक्त होना, चाहे विवाह हो और चाहे न हो, प्रेम ही उसका आधार है। ये महाभाव की अवस्था में ये राधा जी का स्वरूप है, इसी को उन्नत उज्ज्वल रस कहते हैं। अब और आगे थोड़ा सा चलिए, उन्नत उज्ज्वल की जो शोभा है उसको देने के लिए आए, उज्ज्वल रस को नहीं, वो कृष्ण ने आस्वादन किया राधा भाव का, और उनकी शोभा जैसे कोई लता है, लता में पत्तियां होती हैं, उसमें फूल लगता है, उसमें मंजरी लगती है, जब हवा आएगा ना तो पत्ते हिलने लगेंगे
और मंजरियां हिलने लग जाएंगी। कब उस लता की शोभा है? मूल लता राधा जी हैं, सखिया उनके पत्ते हैं, और राधा जी की जो किंकरियां हैं ये उनकी शोभा है। ये किंकरी का भाव देने के लिए महापुरुष जगत में आए, जिसको जिसको आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सब है रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी इत्यादि है बहुत गंभीर चीज, किंतु महाप्रभु इसीलिए आए। ये चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। और इस चीज को दिया किस कैसे दिया? संकीर्तन के माध्यम में दिया। कौन से कीर्तन के माध्यम से? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे। किंतु याद रखेंगे, और संप्रदाय के लोग जैसे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कर ये कहते, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर तीनों का एक ही तात्पर्य है ना? कृष्ण पहले हुए हरि, लोगों का चित्त को हरण जो करते हैं वो हुए हरि कृष्ण। कृष्ण ही चित्त को हरण करते हैं और ये कृष्ण ही रमण करते हैं, इसलिए तीनों एक हैं। समझ में आ रहा है? हरि माने कौन? इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर बंसी बजाते हैं, इतने उनमें मधुर गुण हैं, उनकी लीलाएं इतनी मधुर हैं कि कृष्ण के सब लोगों का चित्त को हरण कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि। ये हरि ही कृष्ण है क्योंकि आकर्षण करते हैं, और यही राम है क्योंकि राधा इत्यादि गोपियों में भी ये रमण करते हैं। इसलिए एक ही वस्तु है। अब एक वस्तु दो हो गई। दो हो गई कैसे? विलास के लिए। लीला विलास आनंद का साधन निर्विशेष तो चीज है नहीं, इसलिए यही दो चीज हो गया। क्या? राधा और कृष्ण। जो हरि के भी चित्त को हरण करती हैं वो राधिका जी हरा है ने? हरि के भी चित्त को, कृष्ण के भी चित्त को हरण करती हैं, इसलिए वो हरा है। हरा से हो गया हरे ने? और उधर में राम जो है, राधा रमयती राम जो है ना, वो राम वो दासरथी राम नहीं, वो राम है यही बलदेव प्रभु भी नहीं, मत समझो। ये स्वयं कृष्ण ही रमण राधा जी में करते हैं, गोपियों में रमण करते हैं। इसलिए यहाँ पर राम माने राधा रमण हरि गोविंद जय। इसलिए तीनों मिलकर के एक, एक मिलकर के फिर एक दो में हो गया राधा और कृष्ण। ये राधा कृष्ण का ये मंत्र है, जुगल मंत्र है उपासना का। इसमें एक एक अक्षर के 32 अक्षर है ना, 16 नाम 32 अक्षर है। 32 अक्षरों का एक एक अक्षर का अर्थ हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने या भक्ति मनोज ठाकुर जी ने किए हैं, जी गोस्वामी ने किया। एक एक अक्षर का 32 प्रकार का राधा और कृष्ण के मिलन इत्यादि का इसमें अर्थ लगाए। जैसे संक्षेप में एक बतलाऊं ना, जैसे कृष्ण है, कृष्ण माने आकर्षण, राधा जी को कृष्ण आकर्षण करते हैं वृंदावन में, राधा कुंड में आकर्षण करते हैं ने? इसलिए वो कृष्ण है। और हरि हरति कुंजे, राधा कुंड इत्यादि में हरि को भी चित्त को हरण करके राधिका जी वहां आकर्षण करती हैं, इसलिए वो हरा है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर इसके अर्थ है, अर्थ माने नहीं, इनकी सुंदर सुंदर भावनाएं हैं। बिना गुरु के, ऐसे शुद्ध गुरु के, ये सब चीजों की स्फूर्ति नहीं होती। तब जब होगा तब वही जो अनर्थी चरिन का जो बतलाया वो सब हमारे हृदय में अनुभूति होगी। ऐसे नहीं, बहुत गंभीर तत्व है। चैतन्य महाप्रभु जी के विचारों को लेकर के और रूप गोस्वामी के हृदय में उन्होंने स्फूर्ति की। उन्होंने भक्ति गोस्वामी सिंधु उज्ज्वल नीलमणि में और अपने ग्रंथों में इस सब का वर्णन किया, जिसका संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। बिना गोपी के भाव के, बिना गोपियों के भाव के यह भाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है।
उन्हीं के अनुगत्य में भजन यदि होगा। किंतु अनर्थग्रस्त जीव इसको कर नहीं सकता, इसलिए रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी जी ने चातुर्मास की व्यवस्था की और ये कार्तिक वर्ष की व्यवस्था की। मैं संक्षेप में कुछ बतला रहा हूं, कुछ साधन भजन के लिए। रूप गोस्वामी ने चातुर्मास के अंदर में कार्तिक महिमा, कार्तिक का महात्म्य के लिए कार्तिक व्रत करने का निर्देश दिया और कार्तिक महीने में अपने घर में न रह कर करके वृंदावन इत्यादि तीर्थों में रहा जाए, साधुओं के संग में रहा जाए। ये कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र है। कृष्ण की जितनी भी गंभीर लीलाएं हुए इस कार्तिक के महीने में हुई। जैसे इस कार्तिक के महीने में ही, अभी ये आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली आएगी, तब फिर अन्नकूट आएगा। इस अन्नकूट के दिन ही में, दिवाली के दिन के दूसरे दिन में, राधा जी ने, जसोदा मैया ने कृष्ण को ओखल में बांधा था इसी महीने के अंदर में, इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। इसके द्वारा दिखलाया कोई यदि कृष्ण को बांध सक, कोई भी नहीं बांध सकता। नारद ने कभी नहीं बांधा, उद्धव जी ने नहीं बांधा, ये सीता जी ने नहीं बांधा, कौशल्या जी ने नहीं बांधा, दशरथ ने नहीं बांधा, केवल जसोदा मैया ने पहली बार बांधा और गोपियों ने राधा जी को कृष्ण के साथ में गठबंधन में बांधा। इसलिए जसोदा के दामोदर एक और राधा जी के दामोदर एक, किंतु प्रेम से बंधे हैं। रस्सी लेकर के जोड़ती गई जसोदा जी इसी महीने में, ब्रज की समस्त रस्सियां लाई गई, किंतु दो आंगुल कम पड़ गई। पहली रस्सी है अपनी साधना, अपनी साधना से आप बांधेंगे नहीं बंधेंगे, अपनी साधना का परिश्रम और जसोदा भगवान की कृपा दोनों मिलकर के दो अंगुल होते हैं। यदि हमारे परिश्रम को कृष्ण ने देखा और हम उनके अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया तो कृष्ण की कृपा हो जाएगी, तभी वो दर्शन देंगे या बंधेंगे, अन्यथा नहीं बंधेंगे। ये इसी में हुआ, जसोदा जी ने प्रेम से केवल अपने सिर की एक बांधने वाली बालों को, केशों को, और उसी से उनको बांध दिया और इसको नंद बाबा बड़ी मुश्किल से खोला, सखा लोग नहीं खोल सके। दूसरी बात, इसी महीने में नंद बाबा ने कृष्ण के परामर्श से गोवर्धन गिरिराज की पूजा कराई और इंद्र असंतुष्ट हो गए और कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की इंद्र के वर्षा और वज्र से। इसी महीने में हुआ। इसी महीने में कृष्ण कंस को इसी महीने में ब्रज से इसी महीने में आए और ये जो दशमी अभी आएगी उसी दिन को उसका वध हुआ था। यहां पर बड़ा भारी मेला लगता है। इसी महीने में गोपाष्टमी आती चली गई, अब आने वाली है, आने वाली गोपाष्टमी है। कृष्ण उसी दिन बछड़ों को चराना आरंभ किया और गायों को भी नंदगांव से चराना आरंभ किया। इसी महीने में गैया चराना किस लिए? नंद बाबा को नौकरी की, नौकरों की कमी है? जिसकी 9 लाख है गाय है वो कैसा व्यक्ति होगा? नौकर भी तो ऐसे ही होंगे ना। तो कृष्ण गैया चराने के लिए क्यों गए? इसमें भी रहस्य छिपा है। रहस्य छिपा ये है कि हमारे साथी लोग रहेंगे और मैं रहूंगा ना? और गाय चराने के बाद बदले हम वन में चले जाएंगे, वृंदावन में, और वहां गोपियों से हमारा साक्षात होगा, उनसे मिलन होगा। इसलिए नहीं तो घास इतनी है जो गायों को चराने की जरूरत नहीं, अपने आप चर सकती थी। इसलिए कृष्ण को ऐसा मत समझना जो नौकर चाकर की कमी को पूरा करने के लिए चल, नहीं, स्वच्छंद रूप से सखाओं के साथ में विहार करेंगे, सखियों के साथ में विहार करेंगे और दूसरों को, यहां तक कि पेड़ों को भी प्रेम देंगे। इसलिए इसी कार्तिक के महीने में
अक्रूर जी वृंदावन में गए, गोपियों से उद्धव क्यारी में मिले, जिसका रहस्य बहुत गंभीर है। उसमें गोपियों के दिन दिव्य उन्माद और क्षिप्र जल्प इत्यादि की बातें हैं, जो पीछे से आप लोग भी शायद समझ सकेंगे। इसी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी ने इन सब चीजों को दिया। इसलिए कार्तिक महीने में जरूर कुछ न कुछ वृंदावन में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में, वृंदावन में, किसी घाट, निधुवन, सेवा कुंज इत्यादि की धूली अपने सिर पर ग्रहण करना चाहिए। वृंदावन की धूली धूली नहीं, स्वयं कृष्ण और बलदेव जी हैं, राधा जी हैं, ऐसा समझिए। इसलिए उद्धव जी ने प्रार्थना की, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिक्षण सा जासांग हरि कथोद्गीत पुनाति भुवन अत्र। उद्धव जी गोपियों की चरण धूली लेने के लिए वृंदावन में राधा कुंड के पास में कुसुम स्वर में घास बने हुए हैं। ऐसे न जाने कितने कितने ऋषि महर्षि लोग जो पड़े हुए हैं। आप लोग भी उन स्थानों में जाएंगे, कार्तिक का महीना पवित्र है, उसमें जाकर के उनकी धूली को अपने हृदय में लगाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, ये चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो चीज देने के लिए आए थे उसको हम लोग प्राप्त कर सके। आप लोग कृपा करके वह प्रेम दीजिए जो गोपियों की हम लोग सेवा कर सके, विशेष करके राधा जी की नित्य किंकरी हो सके, बस यही प्रार्थना, और कुछ प्रार्थना नहीं। किंतु ये होगा कहां से, इसके लिए थोड़ा नीचे आने आइए। रूप गोस्वामी ने एक उपदेशामृत ग्रंथ लिखा, उपदेशामृत ग्रंथ, इसमें उन्होंने पहले बल पाया, यदि कृष्ण का यह प्रेम चाहते हो अनर्थ को दूर करो, भक्ति के अनुकूल जो है उसको ग्रहण करो और भक्ति के प्रतिकूल है उसको दूर करो। आप लोगों को चार चीजें बतलाई गई होगी, द्यूतंग पानंग स्त्रियंग सुना, जुआ पाशा से दूर रहो, जीव हिंसा मत करो, अवैध स्त्रियों का संग मत करो इत्यादि बतलाया गया, कुखाद्य मत खाओ, मांस मछली डीम और शराब इत्यादि से दूर रहो, ये बतलाया गया। ये भक्ति के विपरीत है, इसलिए पहले इस सब चीज को छोड़ा जाए। नम अपराध मत करो, किसी वैष्णव की निंदा मत करो, गुरुजी की अवज्ञा मत करो, नम अपराध से बचो। इसके भी अतिरिक्त रूप गोस्वामी ने बतलाया, बाको बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा उदरोपस्थ बेगम एतान विगान जो विसहेत धीर सर्वम पृथ्वी सश्यात। गुरु कौन है, जिसकी बोली कंट्रोल में है, भगवत कथा के अतिरिक्त और भगवान नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं कर, क्रोध नहीं होना, आंखों बेगम क्रोध बेगम जिह्वा बेगम, जो अच्छा लगे वही खा लिया, ऐसा मत करो, ठाकुर जी का प्रसाद केवल खाओ, इसके अतिरिक्त और कुछ मत लो, उधर उपस्थ यहां तक भर गया तो भी खाते रहो, ऐसा नहीं, नींद आलस्य प्रमाद आएगा, काम क्रोध इत्यादि आएगा, इसलिए सबको दूर करो। इन छह वेगों को जिसने दमन कर लिया है वो गुरु है, अन्यथा गुरु नहीं है। आजकल बहुत से गुरु हैं जिनका मुख पर कंट्रोल नहीं है, शरीर पर कौन कंट्रोल नहीं है, इसलिए सबको कंट्रोल में करना पहला चाहिए। इसके बाद में अत्याहार अपराह इत्यादि बतलाया, विषयी लोगों का साथ में मत रहो, सुसंग में रहो, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह बेकार की बातें मत बोलो, सब समय कृष्ण नाम चिंतन करो, कृष्ण नाम ग्रहण करो, इस तरह से रूप गोस्वामी ने बतलाया। सबसे सार ये चीज बतलाया, परिणाम में रुचि नहीं आ रही है फिर भी करो, वैष्णवों के संग में रह करके करो, विशेष करके वृंदावन में रह करके करो, और वृंदावन में नहीं रह सकते तो मन के द्वारा भी वृंदावन में रहो, ब्रज में रहो, राधा कुंड में रहो, सर इसके द्वारा नहीं होता है। सन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नएद इखिलाम इत्युपदेश सारम। सब उपदेशों का सार यही है, क्या सन्नाम रूप चरितादि
जितने प्रकार के नाम हैं, ब्रह्म परमात्मा जगन्नाथ नियंता ईश्वर परमात्मा, ये गौण नाम है। संसार के दूसरे लोग करते हैं करें। मुख्य नाम भी दो प्रकार का, नारायण राम इत्यादि, ये जो नाम है मुख्य नाम है, किंतु ऐश्वर्य से भरे पड़े हैं, इसलिए इन नामों को भी छोड़कर राधाकांत राधानाथ गोपीकांत जसोदानंदन नंदनंदन, ये जो नाम है रास बिहारी, ये सब मुख्य में भी मुख्य नाम है। ऐसे नामों का करते हुए और वृंदावन में रह करके ऐसे रसिक तत्व वैष्णव के अनुगत्य में रह करके सप्त में वृंदावन में वास करते हुए और नहीं तो मन के द्वारा भी वास करते हुए भजन करें, यही सब भजनों का ये सब सार है। तब वो राधा कृष्ण का जो प्रेम है हमारे हृदय में आएगा, तब हम कृष्ण को प्रेम जो क्या है तब समझेंगे, अनुभूति होगी। और नहीं तो जैसे एक कुत्ते की 10 बच्चे हुए, एक कुतिया है उसको 10 बच्चे हो गए, किंतु उसके स्तन है केवल 8 मान लिया, किंतु 2 बच्चे क्या करेंगे, 8 बच्चे ने तो 8 वो पकड़ लिया और 2 क्या करेंगे, इधर उधर खेलते रहेंगे, उनको स्तन दूध का नहीं मिला। तो ऐसे ही हम लोग इसी तरह से साधारण भक्ति में रह जाएंगे यदि ये सब का पालन करके चैतन्य महाप्रभु के विचारों में हम नहीं प्रवेश करेंगे। चैतन्य चैतामृत और भक्ति स्वामी सिंधु का तात्पर्य नहीं समझेंगे तो ऐसे लाखों जन्म लग जाएंगे। केवल यदि हरिनाम संकीर्तन यदि कोई करता है और कुछ नहीं करता, वैष्णव का संग नहीं करता, तो क्या होगा, कोटि जन्म यदि करे नाम संकीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे पर। इसलिए नम आभास को नम अपराध को दूर करके, काम क्रोध लोभ मद मोह को दूर करके, वैष्णव के संग में उनके अनुगत्य में ब्रज का भाव आश्रय लेकर के यदि भजन करें तो सच ही महाप्रभु के भाव में हम प्रवेश करें, यही महाप्रभु जी की करुणा है। समय बहुत हो गया, अब राधानाथ जी कुछ यदि बोलेंगे तो बोलेंगे, अब यहीं पर मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप लोगों को स्वामी जी के तरफ से उनका आशीर्वाद यही कहता हूँ, आप लोग वृंदावन का आश्रय लें, वृंदावन को समझने की चेष्टा करें, महाप्रभु को समझें और उनको उपदेशों को अच्छी तरह से ग्रहण करके भगवान का भजन करें। जगत में यदि कोई कष्ट भी आता है तो उनको सह ले और भजन कभी जीवन में मत छोड़िए और अग्रसर होने की चेष्टा की। एक बात आप लोगों की बड़ी अच्छी लगी, मैं इस्कॉन के मंदिरों में बहुत बार गया किंतु आप लोगों ने यहां आकर जैसे वंदे हम से आरंभ किया, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले से, और हमारे भक्ति विनोद ठाकुर की, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी की, महाप्रभु जगन्नाथ जी की और राधा कृष्ण की, जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक वंदना की, कभी मैंने सुना नहीं उन लोगों के। उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, गुरु निष्ठा हो तो ऐसे ही अपने गुरु के प्रति नहीं गुरु परंपरा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। यदि कोई ये कहता है कि अपने गुरु के अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं मानता, अपने गुरु के अतिरिक्त दूसरों की पुस्तकों को, रूप गोस्वामी के पुस्तकों को, अपने आचार्यों की को नहीं पढ़ना चाहता, मैं समझता हूं कि वो गुरु सेवक नहीं, वो गुरुद्रोही है। गुरु का तात्पर्य अखंड तत्व है, अपने गुरु को मानते हैं, उनके पुस्तकों केवल पढ़ेंगे और भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को नहीं मानेंगे, रूप गोस्वामी को नहीं मानेंगे, तो फिर क्या माना तुम्हारे गुरु, कहां कहीं नए कहीं टपक पड़े आकाश से, न कहां से जन्म, बेजन्मा तुम्हारे गुरु हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखते हुए, अपने गुरु के गुरु, उनके गुरु परंपरा में सबको सम्मान देते हुए जब चलेंगे तो भजन होगा। आपकी इस भावना को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपकी आप लोग इस लाइन के साथ में ठीक ठीक चल रहे हैं और आप लोगों का भजन हो, आपके प्रति हमारी गुरु परंपरा और आपके गुरु भी कृपा करें, यही प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं।
मैंने जो ये कहा रूप गोस्वामी की जैसी जैसा श्लोक में बतलाया गया है और हमारे समस्त गुरु वर्गों ने उनकी जो व्याख्या की है, वृंदावन में ही रहना, रह करके भजन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। किंतु जिसके लिए यह संभवपर नहीं है, पारिवारिक इत्यादि के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, तो वो लोग जहां रहेंगे वहीं रह करके ये समझे वृंदावन का ध्यान करते हुए, राधा कुंड का ध्यान करते हुए और वहीं रह करके भजन करें। यदि अभी संभव नहीं है, जो साधारण अधिकारी अभी कनिष्ठ अधिकारी हैं, वो जहां रहे गुरु वर्गों के साथ में रहे, अनुगत्य में और हरि नाम कीर्तन करें, हरि कथा सुने और इसके बाद में इन चीजों को समझने पर जरा और अग्रसर हो जाएंगे, अपने आप वृंदावन में मन के द्वारा कैसे रहा जाता है वो समझ लेंगे, तो फिर वो भी संभव सहज हो जाएगा। और जब मन के द्वारा जब हो जाएगा, उसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा, तो वो वृंदावन और वृंदा देवी वृंदावन में लेकर के हमें प्रतिष्ठित कर देंगी, उस समय कोई भी बाधा विघ्न नहीं रह जाएगी। ये इसका तात्पर्य। जैसे रूप गोस्वामी थे, पहले रहते थे रामकेली गांव में मुर्शिदाबाद में, और वहीं पर उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड बना लिया, कल्पना नहीं वहीं पर सरोवर खोद करके तमाल और कदम्ब के पेड़ लगा दिए और वहीं पर बैठ करके भजन करते थे। ये तमाल वृक्ष है, ये राधा कुंड है, ये राधा जी का ये वृक्ष है, और वहीं पर रह करके हरे कृष्ण करते थे। जब फिर वो हो गया, महाप्रभु जी ने और राधा कृष्ण ने उनको बुला लिया ये वृंदावन में और उनको स्थान दे दिया यहाँ। ऐसे ही क्रम से होता है, पहले पाठशाला में पढ़ो, इसके बाद में और आगे बढ़ो, इसके बाद में एमए करो, तब फिर पीएचडी, तब डिग्री, ऐसे धीरे 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 हम लोगों से जल्दी से घबरा करके वृंदावन में आ जाएंगे और भजन गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं। बोलो वृंदावन धाम।